नमस्कार दोस्तों, आज का जो डिस्कशन होने वाला है वो है लिमसी टैबलेट के ऊपर। क्या इसके यूजेस होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट हैं और क्या प्रिकॉशंस का हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। लिमसी टैबलेट एक प्रकार का एक ऐसा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है जो कि आपके शरीर में हो गई वाइटामिन सी की कमी को पूरा करता है। वाइटामिन सी नेचुरली अगर आप देखेंगे कि ये डाइट में रेगुलरली रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि एक प्रकार का ऐसा वाटर सोल्यूबल वाइटामिन होता है जो कि यूरिन के थ्रू पास हो जाता है, इसलिए आपको डेली ये रिक्वायर्ड रहता है। चाहे अगर आपकी स्किन की बात हो या हेयर्स की बात हो या बोन और टीथ की हेल्थ की बात हो या इवन ब्लड वेसल्स की हेल्थ की बात हो, उसमें वाइटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ऐसी पर्टिकुलर कौन सी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होती हैं जो आप ले सकते हो, जैसे कि आंवला है, लेमन्स है, ऑरेंजेस है, गुआवा है, पपाया है, या अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो उसमें ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है या स्पाइनच है, पालक वगैरह, इन सब में काफ़ी अच्छी मात्रा में वाइटामिन सी होता है और आयरन अच्छा होता है, इसीलिए ये आपको रेगुलरली चाहिए। अगर एक नॉर्मल हम मेल की बात करें तो उसे 95 मिलीग्राम डेली रिक्वायर्ड होता है, और अगर एक फीमेल की बात करें तो उसे 75 मिलीग्राम रिक्वायर्ड होता है। अगर आप इससे ज़्यादा मात्रा में वाइटामिन सी लेते हो तो भी दिक्कतें हो सकती है, लेकिन जो नॉर्मली अमाउंट है ये तो आपको लेना ही चाहिए ताकि आपकी स्किन है ये सभी चीज़ें हेल्दी रह सकें। और ये एक प्रकार का एक ऐसा नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि आपके शरीर में, जो कि आप फास्ट फूड खाते हो या आपके शरीर में जो डीजनरेशन हो जाता है फ्री रेडिकल्स के कारण और टॉक्सिन्स के कारण, तो उस सभी चीज़ों को ये प्रिवेंट करता है। अगर आप विटामिन सी लोगे तो आपकी किडनी की भी अच्छी फ्लशिंग होती है और स्किन में भी ग्लो आता है, तो ये एक बहुत ही वाइटल कॉम्पोनेंट होता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि विटामिन सी की अगर कमी हो जाती है शरीर में तो भी बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे ब्लीडिंग गम्स की समस्या आ जाती है, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्कर्वी की समस्या हो जाती है या घाव लेट भरते हैं जिसे पुअर वुंड हीलिंग भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एनीमिया लाइक कंडीशन भी हो जाती है, मीन्स आपके शरीर में खून की कमी भी हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए विटामिन सी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जो कि लिमसी टैबलेट जो होता है वो पूरा कर सकता है। इसके बाद में अगर हम डिस्कस करें क्या इसके यूजेस होते हैं, तो यूजेस में इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो है इम्यूनिटी बूस्टर में, क्योंकि आप देखेंगे विटामिन सी जो लोग रेगुलरली डाइट में लेते आए हैं उनकी हमेशा ही इम्यूनिटी अच्छी रहती है, तो वो इन फर्दर इन्फेक्शन से भी बचाता है उनको और किसी प्रकार की अलग जो चीज़ें होती हैं, अलग प्रकार की बीमारियाँ हैं उनसे भी बचाता है, और ये प्रिवेंट करता है डिसीज़ को, जैसे कि स्कर्वी है, ब्लीडिंग गम्स की समस्या है तो, या बोन्स के किसी प्रकार की आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है उसकी समस्याओं को भी ये दूर करता है। इसके अलावा ये आपकी स्किन और हेयर्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है, जो आपकी स्किन के अंदर कोलेजन होता है उसके अंदर एक मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है जिससे किसी भी प्रकार की फर्दर समस्या नहीं होती है। और इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें कि इसका जो बहुत ही अच्छा रोल देखने को भी मिलता है जैसे कि कैंसर लाइक डिसीज़ में, क्योंकि जो कैंसर होता है वो आपके शरीर में तब तक नहीं होता है जब तक आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। जैसे ही कैंसर सेल्स की मात्रा बढ़ जाती है शरीर में वैसे ही ये बीमारी होने का डर हो जाता है, लेकिन अगर आप खट्टे फ्रूट्स और अच्छी डाइट आप मेंटेन रखते हैं तो आपको ये किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती। इसके अलावा ये आयरन एब्जॉर्प्शन को भी प्रमोट करता है, मीन्स आयरन एब्जॉर्प्शन, आयरन आपके शरीर में इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अपना जो ब्लड वेसल्स के जो कंपोनेंट होते हैं वो आयरन से बने हुए हैं, इसलिए आयरन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो, चाहे वो आपकी बोन्स हो या आपके ब्लड के अंदर, इसीलिए अगर आप लिमसी टैबलेट लेते हो तो ये इसमें आपको फर्दर हेल्प करवा सकता है। या इसके अलावा वुंड हीलिंग, किसी भी प्रकार का घाव हो जाता है आपके शरीर में तो अगर आप विटामिन सी और विटामिन के अच्छी मात्रा में लेते हो रेगुलरली डाइट में तो आपको ये समस्या नहीं आती है, और ये समस्याओं से बचने के लिए आप रेगुलरली ले सकते हैं। अब फर्दर हम डिस्कस करें कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट्स में आपको समझना पड़ेगा कि हमेशा आपको ये याद रखना है कि इसकी जो फर्दर टेंडेंसीज होती हैं उनका ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आप देखेंगे नोजिया है, वॉमिटिंग है, पेन भी हो सकता है, डायरिया हो सकता है, या इवन हार्ट बर्न की समस्या भी देखी जा सकती है, जो कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफ़र कर सकता है, इसलिए ये खास बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम जानते हैं क्या इसका प्रिकॉशन होता है, तो प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें सबसे पहली चीज़ ये है कि किसी भी प्रकार का दवा का उपयोग आपको सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस में ही लेना है, जो कि सबसे अच्छी सलाह हो सकती है। उसके अलावा अगर किसी भी प्रकार की आपको किडनी की समस्या है,
प्रीवियस हिस्ट्री रही हो या लीवर की समस्या रही हो या स्टोन्स की समस्या रही हो आपको प्रीवियसली, तो आप इस पर्टिकुलर दवा को अवॉइड करें, या प्रेगनेंसी में भी इसे आप अवॉइड करना चाहिए इसे, और ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स होती हैं उन्हें भी ये दवा को अवॉइड कर देना चाहिए। या अगर आप देखेंगे कि ये जो कीमोथेरेपिक मेडिकेशंस होती हैं उनके भी इफ़ेक्ट को ये कम कर देता है, इसीलिए आप इसे डॉक्टर की सलाह पे ही आपको लेना है। या अगर आपको प्रीवियस हिस्ट्री रही हो एलर्जी की तो उसमें भी आप इसे ना यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। सो होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।